हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ऐसे इसका न्यूमेरिकल भी काफी यूजफुल है। सो न्यूमेरिकल को देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक फोकल लेंथ का, वो भी फोकल लेंथ कितनी, 6.25। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखी जाएगी, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर में गिवन है। इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से यूज किया जाता है। इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, आई से डिस्टेंस को हमारे पास वी ही बोलते हैं, माइनस का डी। डी की नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता भी होता है। एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आईज, ठीक है, आईज के पास ही रखा जाता है। कैलकुलेट क्या क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि यू टू बी कैलकुलेटेड। क्या फाइंड करना है, यू को कैलकुलेट करना है। बाकी क्वेश्चन को आगे बाद में रीड कर लेंगे, पहले लेंस फॉर्मूला की हेल्प से। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/F = 1/V - 1/U की हेल्प से यू को फाइंड कर लेते हैं। एफ इज व्हाट, 6.25 पॉइंट हटाएंगे, 00 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कितना है, माइनस का 25 है, ठीक है, सभी ऐसे लिखते हैं, माइनस का यू भी ऐसे लिखते हैं, कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना। अब हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे, ये माइनस का जरा कर प्लस का हो जाएगा यू, ये माइनस का 1/25 ऐसी, प्लस का जरा कर माइनस का, 100/625 को कैसे लिखेंगे, देखो आराम से, 25 4 जा 25 25 जा, यानी कि 25 एलसीएम आ जाएगा, -1 -4 माइनस का 5/25। अब हम इसे आराम से यहां पर लिख देते हैं, 1/U = में माइनस का 1/5, 5 5 जा 5 5 जा, सो यू की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन खत्म। रोमन नंबर 1 में हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस फ्रॉम द लेंस, क्लियर। सेकंड में क्या है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारे पास, m = 1+D/F, ठीक है, यस और नो, ठीक है, वन सेम। डी की वैल्यू कितनी है, 25, एफ कितना है, 6.25। 6.25 का अगर हम टेबल पढ़े, 6.25 4 जा, ठीक है, 1+4 = 5, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट लाइन यहाँ पर अलग से दी हुई है, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। ये नॉर्मल के लिए था, नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस थी जिसे हम बोलते हैं। अब अगर हमारे पास इन्फिनिटी पर इमेज बने तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है D/F। डेरिवेशन अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये सिर्फ 4 आएगा, ये चीज ध्यान रखना, जब इन्फिनिटी 4 होगा तो मैग्निफिकेशन 4 और नॉर्मल पॉइंट के लिए 5 होगी। होप सो डेरिवेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। इस टाइप से आप केस को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आज की वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।